सुबह सुबह मैं यहाँ से उठकर यहाँ आता हूँ, बल्कि नहीं, अभी कुछ काम घर में रहते हैं। तो सबसे पहले उठकर मैं नए ड्रेस चेंज करके शलवार कमीज़ पहनकर नमाज पढ़ता हूँ, विच इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम। फिर दो गिलास नीम गर्म पानी पीता हूँ। इसके बगैर ना तो मेरा पूरा दिन गुजरता है और ना मैं सही से नाश्ता कर पाता हूँ। फिर ट्रैक सूट वगैरह पहनकर मैं अपना बैग तैयार करता हूँ। बैग में एक्स्ट्रा शर्ट, ट्राउज़र, वाटर बॉटल, और आज शूट भी हो रहा है तो कैमरे का बैग रख कर अब चलते हैं ग्राउंड की जानिब। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Asalam-o-Alaikum, Alhamdulillah, I am me, nothing more, nothing less. So welcome back to another vlog. Abhi ho rahe 7 AM aur ja raha hu apni morning routine aapke saath share karne. To ground jo hai na wo mere ghar se takriban 1 kilometer ke faasle par hai. To inke to se guzar kar main jata hu apne ground jahan main exercise karta hu, to warm up bhi mera ho jata hai. Aur hamare buzurg hazrat aksar kehte hai ke सुबह सुबह खेतों में जाना और जो ये पत्तों पे, शाखों पे जो पानी होता है उसको देखना, उससे आई साइट तेज़ हो जाती है और काफ़ी रिफ़्रेश हो जाते हैं आप. तो ऑलरेडी मेरे आई साइट वीक है, तो सुबह के टाइम में इन खेतों से इसलिए गुजरता हूँ ना, एक तो चिड़ियों के, बर्ड्स के इतने अच्छे प्यारे प्यारे वॉइस होते हैं वो सुनता हूँ, ट्रैक्टर वगैरह चलते, किसान वगैरह आए होते हैं वो अपने काम में लगे होते हैं, तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है, हवा भी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है. मेन रोड भी है उस साइड पर, लेकिन मेन रोड पर रश वगैरह हो जाता है, वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह गुजरती है, तो इधर से मैं गुजरता हूँ तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील करता हूँ. तो जब ग्राउंड पहुँच जाता हूँ तो सबसे पहले वार्म अप होता हूँ. वार्म अप करने के लिए मैं ये जो बड़ा सा ग्राउंड है ना, इसके इर्द गिर्द तकरीबन 10 से 11 चक्कर लगाता हूँ, तो उससे मेरा वार्म अप हो जाता है. फिर हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता हूँ. एक्सरसाइज इसलिए नहीं करता ताकि मेरे से ही बड़ी बॉडी बन जाए या सिक्स पैक बन जाए, बस मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ ना इसी तरह ही तकरीबन 30 से 40 साल तक इसी वेट और इसी हाइट के साथ रहूँ. तो इस वजह से मैं फिर एक्सरसाइज हल्का पुल्का हर रोज़ करता हूँ, बॉडी वगैरह बनाने के लिए, अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए. और सारों को चाहिए कि एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज हर सुबह हल्का, तकरीबन 1 घंटा तो हर किसी को अपने जिस्म को देना चाहिए, अपनी बॉडी को देना चाहिए. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never. So warm up to kar liye. Is ground ke takriban 10 chakkar laga diye. Abhi halka pulka exercise karte. So warm up ke baad jo agla exercise main karta hu, wo hai full jumping jack aur half jumping jack. ये तकरीबन मैं 20-20 लगाता हूँ. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं. अब फुल जंपिंग जैक. अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, हाफ जंपिंग जैक भी कर लिए, फुल जंपिंग जैक भी कर लिए और वार्म अप भी हो गया है. तो इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं पुशअप लगाता हूँ, बाकी बाईसाइकिल और थोड़े से कुछ एक्सरसाइज है वो करता हूँ. तो रोज़ यहाँ आकर मैं 1.5 घंटे से 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज करता हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है. एक बंदे को 24 घंटों में 1 घंटा या 1.5 घंटा तो अपने बॉडी के लिए निकालना चाहिए. तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है,
ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिस तरह बेरिया टाउन इस्लामाबाद में हो गया और बेरिया इनक्लेव वगैरह, तो इस तरह ये भी हमारे घर के इस साइड पे बड़ा सा टाउन है। तो यहाँ आकर मैं ये जगह अपने लिए रखी हुई है, मुख्तस की हुई है, यहाँ पर मैं आकर एक्सरसाइज करता हूँ हर रोज़, और यहाँ से फिर वापस घर जाकर नाश्ता वगैरह करता हूँ, टेस्टी वगैरह जाता हूँ। Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a gating.